और बिना डरे यहां जिग्नेश बैठा है। पहली बार मैंने सुना आंदोलन करने के लिए परमिशन की जरूरत है, सिर्फ गुजरात में, और दुनिया में कोई ऐसी जगह नहीं है जहां पे भैया आंदोलन करने के लिए परमिशन की जरूरत है। 3 महीने की जेल दे दी, मगर मैं जिग्नेश को जानता हूं, इसको आप 10 साल की जेल दे दो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और ऐसे ही गुजरात में लाखों युवा हैं जो सच्चाई को समझते हैं, जो जानते हैं गुजरात मॉडल क्या है, नरेंद्र मोदी जी का मॉडल क्या है, जानते हैं, समझते हैं। और मैं उनसे कहना चाहता हूं, नया गुजरात बनाना पड़ेगा। आपके भविष्य की बात है, आप रोजगार चाहते हो, शिक्षा चाहते हो, स्वास्थ्य चाहते हो, ये लोग आपको नहीं देने वाले हैं। ये लोग सिर्फ 2-3 अरबपतियों को आपका भविष्य बेचना चाहते हैं। तो आपको गुजरात के युवा को, चाहे वो आदिवासी हो, दलित हो, जो भी हो, हर जात का हो, आप सबको मिलकर खड़ा होना पड़ेगा। आपके भविष्य की लड़ाई है, हम इस लड़ाई में, कांग्रेस पार्टी और मैं, हम इस लड़ाई में आपके साथ खड़े हैं, 24 घंटा खड़े हैं। और एक बार फिर जो हमारा पुराना मॉडल हुआ करता था, कोऑपरेटिव मॉडल, जनता का मॉडल, अमूल का मॉडल, उस मॉडल को हम फिर गुजरात में लाना चाहते हैं, जहां पे जनता की आवाज, जो जनता के दिल में हो, जनता की आवाज सरकार को चलाए, मिलकर, एक साथ मिलकर सरकार को चलाए। आज 2-3 लोग सरकार को चलाते हैं, जनता चुप बैठी है, डरी हुई है, 24 घंटा मीडिया डिस्ट्रैक्ट करती रहती है, कुछ ना कुछ उल्टा सीधा बोलते रहते हैं, नरेंद्र मोदी की फोटो दिखा देंगे, किसी एक्टर का चेहरा दिखा देंगे, एक्ट्रेस का चेहरा दिखा देंगे, ध्यान उधर ले जाएंगे, मगर जो सच्चाई है उसके बारे में ये कुछ नहीं बोलेंगे। सही बोला ना? तो अब जनता को, युवाओं को एक साथ खड़ा होना पड़ेगा। आप सच्चाई जानते हो, समझते हो, पहचानते हो, अब उस सच्चाई के लिए लड़ना पड़ेगा, बिना डरे लड़ना पड़ेगा। और पूरा भरोसा है कि आने वाले चुनाव में यहां पे गुजरात में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी, और इस आंदोलन के बाद उस सरकार में आदिवासियों की आवाज होगी, आदिवासी एमएलए होंगे, और जो आदिवासी चाहेगा वो गुजरात की सरकार करेगी। आदिवासी की धन, आदिवासी जल, जंगल और जमीन की रक्षा वो सरकार करके दिखाएगी। आपने आज मुझे यहां बुलाया, दूर दूर से आप आए, आपको तंग करने के लिए पार्किंग को 5-6 किलोमीटर दूर रखा गया, मगर आप आए, इतनी प्यार से आपने मेरी बात सुनी, इसके लिए मैं आप सबको दिल से धन्यवाद करता हूं। और आपकी जो लड़ाई है, ये जो आंदोलन है, इसमें मैं पूरी तरह शामिल हूंगा, आपके साथ लड़ूंगा, और जो आपका हक है उसको हम लेके रहेंगे। जय जोहार, नमस्कार। आभार राहुल गांधी जी। हवे हूँ विनंती करीश दाहोदना धारासभ्य श्री वजूभाई पंडा साहेब ने।